मम्मी आप बहुत अच्छी हो, अनुज वो भी बहुत अच्छे हैं, पर आप प्लीज पापा को समझने की कोशिश करो ना, वो बुरे नहीं है, वो ना बस परेशान हो गए। पापा मम्मी तो सबसे अच्छी, आपके नंबर पूरी लाइफ मम्मी से ज्यादा है, पर मम्मी तो बुरा नहीं मानती। पापा आप इतने साल उनके हस्बैंड रहे, आपने कुछ तो सीखा होगा ना। मम्मी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती है तो फिर आप क्यों करते हो? और वाह, स्कूल में मेरी लड़ाई हो जाती है तो आप मुझे सिखाती हो, बोलती हो कि इग्नोर कर, बात को आगे मत बढ़ा, पर आपने खुद ने कभी कोई बात इग्नोर की है? बा आप हर बात पे क्यों इतना रिएक्ट करती हो? और काव्या आप थोड़ा काम डाउन नहीं रह सकती? लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। आई नो हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम जैसा रिएक्ट करते हैं उसे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। आई एम टायर्ड, आई एम वेरी 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 टायर्ड, मैं परेशान हो गई हूँ, लड़ाई झगड़ा ये वो, पेरेंट्स एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं तो वो डिवोर्स ले लेते हैं, पर अगर बच्चा पेरेंट्स से परेशान हो जाए तो वो क्या करे? मेरा तो मन करता है कि काश मैं भी अपनी पूरी फैमिली से डिवोर्स ले पाती। मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी, नहीं थी मेरी फैमिली ऐसी, मेरी फैमिली। इस घर में तो ड्रामा ओवर ही नहीं होता, एक मेंबर ड्रामा बंद करता है तो दूसरा शुरू कर देता है। थैंक गॉड मुझे जॉब मिल गई, एटलीस्ट 10 घंटे के लिए इस घर से बाहर तो रहूंगी। मेरी फैमिली ऐसी नहीं। सॉरी बच्चे, सॉरी बेटा, सॉरी। सब कुछ बहुत उलझा हुआ है बेटा, सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर हम कोशिश करेंगे। बेटा कई सालों का बोझ है, इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। हम वादा तो नहीं करते लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। ओके, आई नो पापा, आई नो टाइम लगेगा, आप लोग टाइम लीजिए ना, पर प्लीज तब तक लड़िए मत, प्लीज। Let's try. ठीक है तो इस मोमेंट पे एक रोल टू सेल्फी हो जाए। चलो 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 चलो। पागल छोकरी। पापा आप दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप दोनों ट्राई करोगे, और ये पिक्चर उस प्रॉमिस का रिमाइंडर है, मैं आप दोनों को ये प्रॉमिस भूलने नहीं दूंगी।
तुझे दुख पहुंचाने के लिए सॉरी और थैंक यू हमें हमारी गलती रियलाइज कराने के लिए। आई थिंक अब हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि घर में और तमाशा ना हो। सब में तू भी आ गई। प्रॉमिस 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 बेटा। ओके तो सबसे पहले आप दोनों बट्टी करो। हाँ अरे कैसे करते? ओ अच्छा बाय 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 संभल के मामा जी आप कैफे पहुंचिए मैं आता हूं अभी थोड़ी देर में कुछ जरूरी मेल्स भेजने मुझे ठीक है अभी चला जाता हूं अरे मम्मी आप भी ऑफिस जाइए ना कल आपका इतना बड़ा कंपटीशन है बहुत काम होगा आपको दुखा हाँ अनुपमा तू भी जा बेटा बापूजी बस सबका नाश्ता हो जाए फिर चली जाऊंगी टेम है मैं मोहल्ले में सबको ये कुकिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बता देता हूँ ताकि किसी को हिस्सा लेना हो तो ले सके है ना हाँ। कोई जरूरत नहीं है मोहल्ले में ढिंडोरा पीटने की तुझे तेरी मनमानी करनी है तो कर पर मोहल्ले की बहू बेटियों को मत उकसा कहीं ऐसा ना हो कि तुझे देख के वो भी अपने अपने अनुज पकड़ ले दही जमाई थी जमी नहीं है दही बड़े बनाने थे तो मैं दही लेकर आती हूँ यू नो व्हाट वी आई थिंक यू रियली नीड हेल्प यू नीड टू सी अ डॉक्टर काव्या जैसी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली औरत इतने दिनों से घर में खाली बैठी है और ढोलकिया जैसे आदमी के साथ काम करने से तो अच्छा है कि वो मेरे और अनुज के साथ काम करे आज से एक नई शुरुआत करते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब थैंक्स लेकिन नवरात्रि के बाद ज्वाइन करना है मैं चलता हूं मुझे कुछ काम है विनोद सॉरी यार मैं अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से उस दिन टेंपर लूज कर गया तुम्हारे पर आई एम सॉरी मैं समझता हूँ सर पर आप भी समझिए इज्जत सबको प्यारी होती है दोबारा ऐसा कभी मत कीजिएगा नहीं करूंगा विनोद थैंक यू फॉर अंडरस्टैंड थैंक यू पाखी आज तेरी वजह से मैं इतना हल्का फील कर रहा हूँ थैंक यू मेरी बच्ची थैंक यू